गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया। जी हाँ, ये खबर आप सभी को पता ही है यहाँ पे कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं और अब वो अपनी एक टीम लेके आ रहे हैं जिसमें अभिषेक नायर हो सकते हैं, रयान टेन डिशोटे हो सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि जहीर खान, आर विनय कुमार या लक्ष्मीपति बालाजी में से एक खिलाड़ी यहाँ पे गेंदबाजी कोच के तौर पर आ सकता है। लेकिन ये खबर नहीं है कि गौतम गंभीर अब यहाँ पे कोच बन चुके हैं, खबर यहाँ पे कुछ और है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जब एक नए कोच का यहाँ पे ऐलान होता है तो जो कप्तान होता है, उपकप्तान होता है, वो सीनियर खिलाड़ियों को लूप में रखा जाता है। ये अब अमूमन तौर पे माना जाता है कि सीनियर खिलाड़ी को भी लूप में रखा जाएगा। लेकिन जो अब खबर निकल के आई है सूत्रों के हवाले से, वो ये बता रही है कि जब गौतम गंभीर को यहाँ पे टीम इंडिया का कोच अपॉइंट किया गया तो रोहित शर्मा को लूप में रखा गया, उनसे बातचीत की गई, हार्दिक पांड्या को लूप में रखा गया क्योंकि फ्यूचर कैप्टन के तौर पे आप देख रहे हैं उनको और फिलहाल वो वाइस कैप्टन है। लेकिन यहां पे विराट कोहली को बिल्कुल भी लूप में नहीं रखा गया है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। सीधा ये एक खिलाड़ी के तौर पे कि आप एक खिलाड़ी है, आपको एक नया बॉस मिल जाएगा, आपका एक नया कोच आ जाएगा, उसके अंडर आप खेलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है क्योंकि हमने देखा है कि भले ही अपोनेंट थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, एक समय पर इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी पिछले सीज़न में IPL की। सीज़न बहुत अच्छी बात थी कि दोनों ने अपने गिले शिकवे मिटा दिए। हो सकता है उनको भी पता हो अंदर ही अंदर कि भाई गौतम गंभीर को कि मैं टीम इंडिया का कोच बनने वाला हूं, विराट को पता हो कि भाई कोच के तौर पे यहां पे आने वाले हैं, तो ये जो गिले शिकवे इनको खत्म कर लेते हैं। लेकिन पिछले सीजन हमने देखा था कितनी फियर्स वो लड़ाई हमने देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं सवाल अब फैंस ये उठा रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, एटलीस्ट आप विराट कोहली को तो लूप में रख ही सकते थे, फॉर्मर कैप्टन है, सबसे सीनियर खिलाड़ी इस लॉट के। अगर आप देखें रोहित शर्मा के बाद इवन हार्दिक पांड्या तो बहुत बाद आए उनके, तो कहीं ना कहीं आपको विराट कोहली को लूप में रखना चाहिए था। लेकिन विराट कोहली को यहाँ पे लूप में नहीं रखा गया है और उनसे बिल्कुल भी जो सलाह मशवरा होता है वो भी नहीं किया गया है, कोई भी उनसे सजेशन नहीं लिया गया और सीधा बता दिया गया भाई कि गौतम गंभीर आपके अब हेड कोच होने वाले। हालांकि गौतम गंभीर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी, कौन उनकी टीम में आएगा, कौन नहीं आएगा। आरविनय कुमार की उन्होंने डिमांड करी थी, लेकिन अब यहाँ पे जो खबर आ रही है वो ये है कि BCCI लक्ष्मीपति बालाजी और जहीर खान के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज है, दोनों से बातचीत कर रहा है कि कौन यहाँ पे गेंदबाजी कोच बनेगा। अभिषेक नायर किस कैपेसिटी में आते हैं, क्या असिस्टेंट कोच की कैपेसिटी में आते हैं या फिर यहाँ पे आते हैं वो प्रॉपर बल्लेबाजी कोच के तौर पे यहाँ पे, और गौतम गंभीर यहाँ पे हेड कोच रहते हैं क्योंकि गौतम गंभीर खुद भी एक अच्छे बल्लेबाज रहे, शानदार बल्लेबाज रहे, तो उनके ऊपर भी ये एक प्रेशर होगा कि वो किस तरह से अभिषेक नायर को लेकर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि KKR का जो सपोर्ट स्टाफ था उसको पूरा लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे आप लोग, BCCI ने जो ये ऐलान किया है गौतम गंभीर को कोच बनाने का, और साथ ही साथ जो खबर ये आई है कि विराट कोहली को लूप में नहीं रखा गया है, इन दोनों खबरों को किस तरह से देखते हैं आप लोगों की इसमें क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।